गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगिंग में। और जब तक ये मुंबई का आएगा ब्लॉग, तो ये बिल्लू तो आएगा ही आएगा ब्लॉग में, क्योंकि ये तो स्टार ऑफ द हाउस है भाई, ये तो आना ही है। तो यही है बस। और ये एक मीन्स थोड़ी सोची मैं कि थोड़ा सा मुंबई का भी आप लोग को घुमाऊँ। कब तक बस घर ही का लेती रहूँ ब्लॉग। तो बस खाना वगैरह खा रहे थे हम लोग, ये भाभी खाना निकाल रही थी। मीन्स हम लोग तो खा चुके थे, मेरे हस्बैंड के लिए निकाल रही थी, उनको थोड़ा सा लेट हो गया था नहाने वहाने में, तो इसीलिए तो उनको खाना निकाल रही थी। और बोली कि मीन्स उनको ये नहीं पता था कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, बस मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो बोले क्यों कर रही हैं। मैं बोली ऐसे ही याद करने के लिए कि आप क्या क्या खाना बनाई हैं। तो बोली अच्छा अच्छा कर लीजिए। और ये सब किचन में तो थोड़ा मैसी सा था किचन, क्योंकि अभी खाना पीना चल रहा था, सबके घर का यही होता है। और ये है मेरा हीरो, ये तो एकदम जेंटलमैन है। ये क्या होता था ना, इसको ना सिर्फ जीन्स का पैंट ही चाहिए पहनने के लिए, तो ये जीन्स का पैंट पहन के, और है पतला दुबला सा, पैंट तो खिसकता रहता है, लेकिन ना वो पहन के पॉकेट में हाथ डाल के ही रहेगा। और इसका एक बहुत क्यूट सा ना वीडियो मैं बनाई हूँ। इसकी मैम आती थी पढ़ाने के लिए, और ये होमवर्क कुछ भी नहीं करता था, और एकदम आराम से खड़ा हो जाता था पनिशमेंट के लिए। और इसकी मैम इसको उठक बैठक करने को बोले, मुर्गा बनने को बोले, ये बन जाएगा, लेकिन होमवर्क नहीं करेगा ये। तो ये इसका है स्टाइल था इसका, ये कि मीन्स मैं होमवर्क नहीं करूँगा, चाहे मैं पनिशमेंट कुछ भी मिले मेरे को, तो वो चलता था उसको। और ये है खाना जो मेरे हस्बैंड के लिए भाभी निकाली हैं, तो वही चटनी सैलड दाल रोटी चावल सब्जी यही खाना था। क्योंकि अभी मीन्स खाना तो सबके घर में ऐसे ही बनता है, क्या इसमें कोई नया चीज़ तो नहीं था। लेकिन मैं सोची कि आज किसी दिन मैं खाना वगैरह तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, क्या खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं, लेकिन मैं सोची थोड़ा सा शेयर कर दूँ, तो इसीलिए। क्योंकि मेरी भाभी को भी नहीं पता था कि ये ब्लॉग शूट होने वाला है, मैं तो बस ऐसे ही कर ली रिकॉर्डिंग कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ भाभी याद के लिए। और ये देखिए, मैं बता रही थी ना कि यहाँ पे लोग खाना भी कोई खा लेते हैं, किसी को चाय पीना होता है चाय भी पी लेते हैं। यहाँ पे ये टेबल है, इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही बताऊँ। और ये हम लोग फिर निकल गए थे घूमने के लिए, ये 31st का डेट, ये 31st था। तो हम लोग सोचे थोड़ा सा घूम के भी आएँ और बच्चों को भी घुमा दें, क्योंकि क्या होता है ना, और ये बीच बीच में थोड़ा सा आप लोग को आवाज़ आएगा वॉइस ओवर करूँगी तो, क्योंकि ना बड़ी फैमिली है, कोई ना कोई बोलता रहता है, कोई चिल्लाता ही है, थोड़े कुत्ते भी हैं, भौंकने का आवाज़ आता होगा आप लोगों को। 3 कुत्ते हैं मेरे घर में, तो वो भी भौंकते रहते हैं। तो ये 31st का था दिन, तो अब घूमने के लिए निकल गए थे थोड़ा सा। और क्या है, मुंबई में तो रूल्स बहुत ही मतलब कड़े थे कि मास्क आप उतार ही नहीं सकते हैं, घर से बाहर हैं तो मास्क लगा के ही रहना है, चाहे आप टैक्सी में ही क्यों ना सफ़र करें। तो ये हम लोग फिनिक्स मॉल गए थे, और वहाँ पे मीन्स सिर में तो बड़ी दर्द हो रहा था मेरे, तो चाय वाय पीने लगे थोड़ा सा मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चे तो बैठे थे, उनको तो कुछ और चाहिए था खाने के लिए, लेकिन बर्गर वगैरह यहाँ पर नहीं था, तो हम लोग बोले जब ये मॉल में से निकलेंगे तो बाहर था बर्गर था तो वो खरीद देंगे। लेकिन अभी क्या था, मॉल में थोड़ा सा घूमना था हम लोगों को, बच्चों के लिए थोड़ा कपड़ा वगैरह लेना था, तो लिए हम लोग। और फिर ये देखिए 31st का और क्रिसमस का कितना बढ़िया सजावट था, बहुत ही खूबसूरत था। मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और फिनिक्स मॉल ना बहुत ही बड़ा मॉल है, लोअर परेल में है ये मॉल, बहुत बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा। पहले तो सुनती थी कि एशिया में शायद नंबर 1 पे आता है, अब तो बहुत बड़े बड़े मॉल बन गए, नोएडा वगैरह में सुनी हूँ कि और बड़े बड़े मॉल बने हैं। तो ये थोड़ा मीन्स होता है ना कि कोई आखिरी ताकतवर नहीं होता, कोई आखिरी अमीर नहीं होता, और कोई आखिरी ऊँचाई पर नहीं रहता है, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ होता ही है। और ये देखिए एक क्रिसमस ट्री शायद यहाँ पर बना था, मेरे हस्बैंड ऐसे ही घूमते हुए इंजॉय करते हुए। बच्चों को क्या था ना कि भाई हम लोग को तो थोड़ा सा घूमना है, तो लेके जाना तो नहीं चाहिए था उस समय, लेकिन क्या है कि 2-3 साल में एक बार हम लोग आते हैं, और अब बच्चों को घुमाऊँ नहीं तो फिर तो
जानते हैं बच्चे कहाँ जीने देते हैं, नहीं मम्मी चलिए चलिए, तो फिर लेके जाना पड़ा। और 31st था तो थोड़ा सा बच्चे मीन्स उदास हो गए थे, तो फिर बहुत टाइम से हम लोग गए और टाइम से ही आ गए। 3 बजे हम लोग गए और मुझे लग रहा है कि 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग चले आए घर पे, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा वहाँ क्राउड बढ़ने लगा था शाम होते ही। तो फिर हम लोग कहे कि अब घर चलना ही ठीक रहेगा, इसलिए कि फिर ऐसे पैंडेमिक में तो इतना रस में रहना। जब भी हम लोग थे वहाँ पे देखिए काफ़ी खाली खाली जगह था, लेकिन लास्ट का भी वीडियो देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा पैर रखने का जगह नहीं था। फिर हम लोग उसके पहले जब भी क्राउड बढ़ने लगा फिर हम लोग निकल के आने लगे, उसमें से आ गए थे। अब ये देखिए बहुत खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। अब ये हम लोग आ गए मैकडोनल्ड में, बच्चों को जो कि बताई हूँ आप लोगों को कि बर्गर वगैरह खाना था तो उनके लिए ले लिए थे और ये खा रहे थे और मेरे लिए भी लिए थे। लेकिन मेरा कुछ उस दिन तबीयत नहीं ठीक था, मीन्स क्या हुआ ना कि मीन्स ये तो अभी हम लोग तो इधर से तो गए थे तो ठंडी था और उधर जाने के बाद एसी चलता था, मुंबई में मौसम गर्म था और गर्म क्या तभी भी ठीक ही था, लेकिन मेरे भाभी के बच्चों को एसी का बहुत ही आदत लग गया है, वो बिना एसी के वो सोते ही नहीं हैं सब। तो इसके लिए अब वो उसी रूम में एक दो दिन मैं भी सो गई जिसमें वो सब सोते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अकड़न सी हो गई थी शरीर में और गला में गला भी फंसने लगा था। तो फिर और ये जो ओमिक्रॉन था बाबा रे इतना ज़्यादा इसका डर है ना कि मैं उन बहुत डर की थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी, मुझे थोड़ा सा ना ऐसा होता है ना कि शक भी होने लगा था कि मुझे कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है ओमिक्रॉन या फिर कोरोना का कोई सिम्टम्स तो नहीं है। वैसे तो मैंने दोनों डोज ले लिया था वैक्सीन के, लेकिन फिर भी ह्यूमन नेचर ये नेगेटिविटी पहले आती है दिमाग में, पॉजिटिविटी बाद में आती है, कुछ पॉजिटिव सोच नहीं आता है जल्दी। और ये हम लोग ना अब मतलब निकलने लगे थे घूमने को, तो बहुत देर से ही घूम रहे थे, लेकिन अब फिर भीड़ देखिए पीछे बढ़ने लगा था। मेरे हस्बैंड बोलो कि नहीं अब चलो, क्योंकि क्या होता ना कि भीड़ बढ़ रहा था और बच्चों को लेके कुछ सेफ नहीं था, और भाई लोगों का भी फ़ोन जाने लगा था कि नहीं नहीं अभी निकल आओ क्योंकि अभी भीड़ बढ़ेगा, क्योंकि 31st है, सभी लोग 7 बजे के बाद ही मीन्स कहीं पर भीड़ होता है। और वहाँ पर नियम था कि 9 बजे सब कुछ बंद हो जाता था जब भी हम लोग गए थे, और अभी भी होगा ही, मतलब कोई भी टूरिस्ट प्लेस 9 बजे तो बंद हो ही जाता था। हाँ, और 31st के दिन तो और ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही कड़ा ही था वहाँ पे, तो उस दिन तो रोड पे चलने वाले लोगों को भी मतलब जो पुलिस वाले थे डांट के भगा दे रहे थे। अच्छा था, ये सेफ्टी के लिए ही था, लोगों के सेफ्टी के लिए ही है ये, मीन्स इसको कुछ बुरा नहीं मैं देखती हूँ। तो फिर हम लोग भी अब निकलने लगे थे वहाँ से, निकल आए थे, अब आ ही रहे थे घर ही पे, क्योंकि ना फिर डर भी रहता है और डर डर के घूमने से तो अच्छा अपने घर में रहो, तो इसीलिए। और ये मेरे बच्चे हस्बैंड हम सब लोग अब आ रहे थे घर पे, तो मैं सोची थोड़ा एग्जिट का भी देख लूँ, आप लोगों को सूट कर लूँ, कुछ याद रहेगा मेरी बेटी। तो और ये मतलब मैं रोज़ तो घर ही वगैरह का आप लोगों से शेयर कर रही थी, तो सोची हूँ आज थोड़ा बाहर का भी कर दूँ। एक और है, ज़्यादा जगह तो हम लोग घूमे नहीं, एक आध जगह का और होगा तो वो भी इसके बाद आएगा वीडियो में, क्योंकि बहुत लेके घूमना बच्चों के लिए सेफ नहीं था, तो फिर हम लोग भी नहीं गए, घर में ही रह गए ज़्यादातर तो, और ज़्यादा दिन के लिए गया नहीं थे इसलिए बहुत बोरिंग का कोई सवाल नहीं उठता था। मुझे लग रहा है कि 10 दिन के लिए ही था पूरा टूर, तो इसलिए। और ये हम लोग निकल आए तो ये रास्ते का है, और ये देखिए गजब ही है भाई, मुंबई की तो चकाचौंध गजब ही है, तो ये तो देखते ही बनता है, और रात में तो पूछना ही नहीं है, बहुत ही सुंदर लगता है मुंबई। तो कहते हैं ना कि ये लाइटों का शहर होता है ये, मीन्स जगह जगमगाती हुई लाइट आपको हर जगह दिखेंगी, तो ये इसीलिए ये ड्रीम ऑफ सिटी कहा जाता है। तो इसमें सपने किसको नहीं आएंगे इस शहर में, तो कुछ के पूरा होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, और कुछ के बीच में रहते हैं, आधा पूरा आधा नहीं हुआ। तो बस अब यहीं तक था मेरा ये वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से मुंबई की कुछ आप लोगों को घुमाऊंगी जगह
एक आध जगह और मैं गई थी, उसका भी शूट की हूँ थोड़ा बहुत, तो कोशिश करूँगी कि वो भी घुमा दूँ। और ये है रात को 12 बजे का, पता ही ना कि ये 31st का है, तो ये रात को 12 बजे का है। ये बच्चे बस नाइट शूट में आ गए थे अपने, और ये केक कट कर रहे थे, तो ये देखिए ये क्यूट मोमेंट था। तो बस मैं तो ऐसे ही रेंडमली शूट कर ली, क्योंकि मेरा बेटा तो बोला था ये वाला मत डालना ब्लॉग में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय।